गलत बात है। इंडिया के अंदर भी तो कितनी मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें इंडिया के अंदर हैं। तब क्या इंडिया को मुसलमान बाहर निकाल देने चाहिए या मस्जिदें ख़त्म कर देनी चाहिए? अगर आपकी कंट्री के अंदर एक रिलीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आपको चाहिए कि आप उस रिलीजन को जो है उसके रिलीजियस राइट्स प्रोवाइड करें। इसलिए अभी ये खबर आई है कि दुबई के अंदर टेम्पल बनने जा रहा है, यह उनका हिंदुओं का मंदिर बनने जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि दुबई को ये करना चाहिए या नहीं, सही है या गलत? जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को तकरीबन 900 करोड़ रुपए की लागत में बनाया जा रहा है। इस मंदिर में बनाने में तकरीबन 26 एकड़ की ज़मीन का उपयोग किया जाएगा और रिपोर्टों के अनुसार यह भी पता चला है कि इस मंदिर में सामने के भव्य दरबार को गुलाबी पत्थरों से बनाया जा रहा है, जिन्हें कि भारत के राजस्थान से इम्पोर्ट किया जा रहा है। एक रिसेंटली अभी ये खबर आई है कि दुबई के अंदर टेंपल बनने जा रहा है, यह उनका हिंदुओं का मंदिर बनने जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि दुबई को ये करना चाहिए या नहीं, सही है या गलत? इबादत करने का हक बराबर हासिल है, तो मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए कि वो उनकी कंट्री है, वो जो मर्ज़ी कुछ कर सकते हैं, तो बनना जायज़ भी है लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के बने तो फिर बेटर होगा। आप क्या समझते हैं, थोड़ा नज़दीक आ जाए। जी मेरे ख्याल में बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है, अप्रिशिएट करते हैं हम, क्योंकि जिस तरह बहुत ज़्यादा अगर हिंदू वहाँ पे कम्युनिटी मौजूद है, जिस तरह उनको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है, इजाज़त है, उसी तरह उनको इबादत करने की भी इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बाहर के लोग आपकी कंट्री के अंदर आके काम करें, तो फिर जो उनकी मतलब के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको देखना चाहिए, जिस तरह हम उसके खाने पीने का, रिहाइश का, सब कुछ देखते हैं, तो ये भी एक ज़िंदगी का बड़ा अहम जुज़ा है, तो इस लिहाज से बड़ी अच्छा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ज़बरदस्त यार, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने ये बात करके। दुबई में हिंदुओं का एक मंदिर बनने जा रहा है और उसमें उनके 15 देवता रखे जाएंगे जिनकी वो पूजा करते हैं। मंदिर वैसे हिंदुओं के ही होते हैं। मंदिर हिंदुओं के ही होते हैं और ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, मंदिर हिंदुओं के ही होते हैं और इसमें 15 देवता रखे जाएंगे और जिनकी वो पूजा करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि दुबई ने ये कैसा कदम उठाया है? कदम क्या उठाया है, एक रिलीजन है उनकी, अगर उन्होंने रिलीजियस प्लेस बना दिया तो इसमें मेरा नहीं ख्याल क्योंकि गलत बात है। इंडिया के अंदर भी तो कितनी मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें इंडिया के अंदर हैं, तब क्या इंडिया को मुसलमान बाहर निकाल देने चाहिए या मस्जिदें ख़त्म कर देनी चाहिए? अगर आपकी कंट्री के अंदर एक रिलीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आपको चाहिए कि आप उस रिलीजन को जो है उसके रिलीजियस राइट्स प्रोवाइड करें, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। अगर क्या नाम है, दुबई ने ऐसा काम किया तो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा काम है। अगर इस मंदिर को बहुत ही विशाल तरीके से बनाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और इससे यूएई का टूरिज्म और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये सब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। इस मंदिर के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोगों को भी दुबई की ओर अट्रैक्ट किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ेगा और टूरिज़्म बढ़ने की वजह से यूएई की जीडीपी भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि भविष्य में केवल और केवल इन देशों के पास टूरिज्म ही एक ऐसा स्रोत होगा जो कि इन देश की जीडीपी को बढ़ाएगा और इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हालांकि अब आपको क्या लगता है कि इस सब के पीछे क्या कारण हो सकता है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।